हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अगर आप नया नया बाइक का काम सीख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर बाइक रिलेटेड आपको नॉलेज मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। दुनिया भर की भाई BS6 रिलेटेड बाइक का भी जानकारी आपको इस चैनल में मिलेगा। तो चलिए, एक और नया चैनल बनाऊँगा भाई मैं, वो जो चैनल होगा एकदम बेसिक से लेके शुरू होगा एकदम फास्ट से। जिसको भी कुछ भी नहीं पता है वो उस चैनल पे आके अपना काम सीख सकता है भाई। तो चलिए, बात को यहीं पे ख़त्म करके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हमारे पास है डिस्कवर 150 वाला जो मॉडल है उसका इंजन। आज हम असेंबल करेंगे इसका मेन चैम्बर, गियर बॉक्स, ठीक है, और टांग वगैरह कैसे डालना चाहिए सब कुछ। देखिए, हमारे पास है, हमारे हाथ में है जो इनपुट शाफ्ट वो, और इसको कैसे असेंबल करेंगे। देखिए, सारे गड़ाड़ी तो हमारा खुला हुआ है एक साथ में, तो कौन सा गड़ाड़ी कहाँ कैसे लगेगा ये आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भाई, एकदम शुरू से एंड तक। आप अगर इस वीडियो को नहीं देखोगे तो आपसे जानकारी मिस हो सकता है। तो जिसको भाई जल्दी है वो वीडियो छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो इनपुट शाफ्ट उसको कैसे असेंबल करते हैं। देखिए, पहले एक हमारा जो पिनियम है गड़ाड़ी उसको लगाया तो वो लगभग ठीक था, तो उसको चेक कर लिया। इसको भी चेक करेंगे हम। देखिए, इसका जो मूवमेंट होना चाहिए वो इसमें नहीं हो रहा है, मगर क्या है तो ये गड़ाड़ी इसका नहीं है। ये अभी हमारे हाथ में जो गड़ाड़ी दिख रहे हो, ये गड़ाड़ी इसमें डाल के फिर से देखेंगे हम। तो चलिए भाई, इसको डिसअसेंबल किया है हमने, क्योंकि इसका जो असेंबलिंग का वीडियो है बाद में भाई हमारा किसी वजह से कट चुका था, इसके लिए फिर से खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि कौन सा गड़ाड़ी कहाँ और कैसे फिट होगा। तो चलिए, ये वाला जो गड़ाड़ी है पहले इसको डालते हैं, सेट होने का कोई चांस ही नहीं है भाई। तो चलो बाद में देखते हैं, उसको साइड पे रखते हैं, अभी इसको डालते हैं। देखिए, ये थोड़ा जाम फिटिंग हो रहा है, स्मूथली मूव नहीं कर रहा है, और ऊपर का जो पिनियम बैठेगा वो वाला इसमें जगह ही नहीं है भाई, तो ये वाला पिनियम भी इसका नहीं हो सकता है। तो चलिए, इसको भी हम साइड पर रखते हैं। अभी आएगा पहले वाला जो गड़ाड़ी हमने लगाया था उसको। देखिए, ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे मत लगाइएगा। नया नया भाई जो है उस उन्हीं को ये सब डिटेल में बता रहा हूँ मैं भाई, उल्टा कोई भी पिनियम नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए, ये पिनियम हमारा इधर एकदम परफेक्टली सेट है, तो ये वाला पिनियम हमारा इधर का हो गया, ये वाला गड़ाड़ी जो है तो इधर का हो गया है। तो चलिए, इसके ऊपर भी और एक गड़ाड़ी आएगा, क्योंकि 5 गियर का हमारा बाइक है ये, अभी 4 पिनियम का हमें सेटलमेंट इधर मिला है। तो चलिए, 4 गियर का सेटलमेंट इधर मिल गया। तो चलिए, एक और गड़ाड़ी है, छोटा वाला आएगा इसमें, तो कौन सा, ये वाला भाई। अब इसको जैसे मर्जी वैसे डाल सकते हैं, कोई दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, इनपुट शाफ्ट हमारा ऐसे हो गया सेट परफेक्टली। तो चलिए, अब चलते हैं आउटपुट शाफ्ट पे। देखिए, ज़्यादा हमने खोल खाल नहीं किया है, क्योंकि भाई गैरेज में थोड़ा काम का प्रेशर है, इसके वजह से जितनी शॉर्ट में हो सके आप लोगों के लिए वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, और इतने दिन तक वीडियो में इसी वजह से नहीं डाला, थोड़ा काम का प्रेशर भाई ज़्यादा था, इसी वजह से वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। तो चलिए, देखिए, ये जो गड़ाड़ी है ये इधर हमारा सेट है, अगर ऐसे लगाएंगे तो भी दिख रहा है, हाँ सेट है, किसी में पहले थोड़ा सा ज़्यादा है और किसी में थोड़ा सा कम है। तो क्या है, इसके ऊपर जो बड़ा वाला गड़ाड़ी हमारा होता है उसको डाल के हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा साइड किस गड़ाड़ी जो हमारा सिलेक्टर गड़ाड़ी है उसको कैसे लगाना होगा। देखिए, बूस्ट को हमेशा ऐसे डालना चाहिए, ऐसे हमें हमेशा बूस्ट को हमारा डालना चाहिए। कई कई मैकेनिक क्या करते हैं, पहले गड़ाड़ी को डालते हैं और ऐसे बूस्ट को ऊपर से घुसा देता है गड़ाड़ी के अंदर,
ये भाई बिल्कुल गलत है, ऐसे काम नहीं होता है भाई। तो पहले जो बताया उसको पहले लगाना चाहिए, उसके बाद गाड़ी को। तो देखिए इधर देखने वाली एक बात है, चलिए जो सिलेक्टर गाड़ी हमारा है उसके ऊपर जो घाटे बना हुआ है, जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को देखिए इसमें फंसा के देखेंगे कि परफेक्ट है या नहीं। देखिए ये तो आधा आधा हमारा, आधा आड़ा है आधा नहीं, ठीक है भाई। तो इसमें क्या पता चला कि सिलेक्टर गड़ाड़ी का ये वाला साइड हमारा सही नहीं है, तो इसको पलट के लगाना चाहिए होगा। देखिए आधा आड़ा है इसमें, तो इसको पलट के लगाते हैं। चलिए लगा के दिखाते हैं आपको, नीचे का भी ठीक रहेगा। देखिए नीचे का भी ठीक है, एकदम परफेक्ट है, ये प्ले कोई दिक्कत नहीं है। अब बुश डालेंगे, उसके बाद हमारा जो गड़ाड़ी है उसको डालेंगे, डाल के देखेंगे। देखिए एकदम ये जो खाटे सेम टू सेम है जो ग्रुप, तो ये वाला हमारा इसी का हो गया है एकदम परफेक्ट। देखिए ध्यान से देखिएगा तो कौन कौन सा काम इसमें हमने किए है सब कुछ डिटेल से बता दिया है हमने, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा भाई, जवाब देंगे उसको, रिप्लाई भी देंगे। तो चलिए वीडियो लंबा होगा यार, तकरीबन 20 मिनट के आसपास का होगा। अगर ये वीडियो आपके समझ में आ गया ना, तो कोई भी बाइक हो भाई, कोई भी बाइक जो आपको, जिस बाइक में इंजन असेंबल करना है, गियर बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भाई हमारा नया नया काम सीख रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं उसके बाद। ये वाला देखिए हमारे हाथ में है दो वॉशर, एक है पतली वॉशर, एक है मोटी वॉशर। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्या हमेशा यही ध्यान में रखना है, जो मोटा वाला वॉशर होता है ये हमेशा आउटपुट शाफ्ट पर लगता है हमारा, जो मोटा वाला वॉशर है। और वॉशर का भी भाई उल्टा सीधा होता है, जो फ्लैट वाला होता है वो हमेशा नीचे की तरफ रहता है, गड़ाड़ी की तरफ नहीं। देखिए ये ऊपर में जो हमारा दिख रहा है वो पूरा फ्लैट वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप डालेंगे तो गियर आपका गड़ाड़ी स्मूथ रहेगा, हमेशा स्मूथ रहेगा। इसमें भी होता है एक फ्लैट और एक कर्व साइड, तो कर्व साइड हमेशा इनपुट शाफ्ट और पेनियम की तरफ ही रहेगा, और जो हमारा फ्लैट साइड है वो हमेशा हमारा चेंबर की तरफ रहेगा या बियरिंग के ऊपर रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया है उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अब फिटिंग करते हैं हमारे गड़ाड़ी को, जो शाफ्ट को चेंबर में। देखिए भाई ये आसानी से हमारा जो है सेट हो जाता है, फिट हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। देखिए एकदम आराम से आप सेट कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, एकदम मक्खन की तरह, बस उंगली फंसाना है पिनियम के नीचे पे, और उसको सही डायरेक्शन में बिठा के उंगली को बाहर निकलना है, तो आपका गड़ाड़ी जो शाफ्ट है वो स्मूथली बैठ जाएगा। देखिए अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा इधर उधर होता है, उसके वजह से प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है, गड़ाड़ी हमारा शाफ्ट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। देखिए भाई क्रैंक साइड पे जो वॉशर हमारा था ब्लैक वाला, वो हमेशा डालना होगा आपको, नहीं तो गाड़ी में, बाइक में हमारा वाइब्रेशन का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हमारा बाड़ी आ गया है सिलेक्टर लगाने का। तो सिलेक्टर को कैसे एनालाइज करेंगे कि कौन सा सिलेक्टर कहाँ की है, सब कुछ आपको इस वीडियो में भी पता चलेगा भाई। एक ही वीडियो में आपका गियर बॉक्स रिलेटेड सारे जो कन्फ्यूजन है सब कुछ दूर हो जाएगा। तो चलिए इसमें कौन सा सिलेक्टर कहाँ के है सब कुछ देख लेते हैं। पहली बात तो ये है भाई, सिलेक्टर जो हमारा आउटपुट शाफ्ट का होता है वो लगभग एक ही सेम होता है, और जो इनपुट शाफ्ट का सिलेक्टर होता है उसमें एक सिलेक्टर लगता है, वो अलग होता है।
तो पहले क्या है, आपको देख लेना है कि कौन सा साइड हमारा सिलेक्टर का, जो पिन होता है सिलेक्टर का, वो जो पिन हमारा गियर ड्रम में लगता है, जो गियर ड्रम के जो लाइन होता है उस लाइन पे लगता है, वो पिन किस साइड पे, क्योंकि डिस्कवर बाइक का दोनों साइड पे दो पिन दिया होता है, तो किस साइड का पिन हमारा थोड़ा सा घिसा हुआ है वही देखना है। तो आपको इसमें कैसा क्या पता चलेगा, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला हमारा जो पिन था वो किस तरफ था। अगर जो साइड हमारा घिस चुका था उस साइड को आप बाहर की तरफ करेंगे गियर ड्रम की वजह से, तो आपका गियर सेट नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमको लगाना है। तो देखिए, ये जो कौन सा जो हमारा सिलेक्टर कहाँ पे लगेगा दिखाते हैं हम। देखिए, ये छोटा वाला जो हमारा सिलेक्टर है, ये जो हमारा पिन होता है, इस पिन को आपको देखना चाहिए। ये वाला इधर हमारा लगेगा गियर ड्रम, तो ये गियर ड्रम की साइड पे होना चाहिए हमेशा। ये जो इनपुट शाफ्ट का हमारा, ये सिंबल एक ही लगेगा, और दूसरा जो था उसी तरीके से हमने देख लिया है उसका। भाई जो जो हमारा पिन होता है, जो सिलेक्टर पिन के अंदर जाता है, सिलेक्टर पिन को जो खड़ा करके रखता है, वो पिन उस टाइम पे जो हमारा सिलेक्टर है उधर कुछ ऊपर नीचे रहता है, तो उसको देखकर लगाना होगा, क्योंकि आपका चेंबर में भी टच नहीं होना चाहिए, और जो हमारा गियर है सिलेक्टर का जो गड़ड़ी है उसमें स्मूथली ऊपर नीचे हो सके। तो उसके बाद देखिए, वो पिन तो हमने लगा लिए, उसके बाद हम गियर ड्रम को थोड़ा लुब्रिकेट करेंगे। लुब्रिकेट करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कैसे क्या करना है। देखिए भाई, इंजन जब भी आप असेंबल कर रहे हो, तो सबसे पहला काम है आपका, जो इंजन आप असेंबल कर रहे हो उसको एकदम सही से 100% सफाई एकदम मस्त होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जब भी हम आप कोई पार्ट्स, कोई पिनियम बगड़ा, शाफ्ट बगड़ा लगा रहे हो, तो उसको लुब्रिकेट जरूर से ज़रूर करें, क्योंकि बाइक इंजन में आप सोच रहे हो कि ऑयल जब भी डालेंगे तब भी लुब्रिकेट हो जाएगा। भाई वो जितने टाइम तक लुब्रिकेट होने के लिए टाइम लेगा, उसमें पिनियम हमारा घिस जाता है। इंजन ऑयल का काम क्या होता है, अगर आपको जानना है कि इंजन ऑयल का एक्चुअल काम क्या होता है, बहुत सारे वीडियो भाई यूट्यूब पर भी है, मगर अगर आपको मेरे से जानना है कि इंजन ऑयल का काम क्या होता है, इंजन ऑयल कैसे काम करता है, सब कुछ कमेंट कीजिएगा, वीडियो अलग से बना देंगे। तो चलिए देखिए, इधर का जो पॉइंट हमने दिखाया वो होता है हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट, और गियर ड्रम में एक पॉइंट रहता है उबरा बॉल जैसा, वो पॉइंट हमारा जब उस पॉइंट से अटैच होते हैं, न्यूट्रल वाला स्विच का जो पॉइंट है वो फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि पुशेबल होता है, तो वो ऊपर नीचे होता है, जब भी उसमें अटैच होता है तो न्यूट्रल लाइट हमारा जल पड़ता है। यही है न्यूट्रल का जो फंक्शन, तो न्यूट्रल लाइट का भी फंक्शन इसमें हो गया। देखिए, सिलेक्टर अगर आपका सही लगेगा, तो कैसे पता चलेगा कि गियर बॉक्स आपको, सिलेक्टर वगैरह सब कुछ सही से बैठा है या नहीं, तो वो भी बताएंगे हम। चलिए आगे, इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं कि गियर बॉक्स हमारा सही से फिट हुआ है या नहीं हुआ है, सब कुछ आपको बताएंगे और प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी। तो चलिए, इस पिन को हमने इंस्टॉल कर रहे हैं अभी। उससे पहले भाई देखिए, सिलेक्टर वगैरह कटने की चांसेस रहता है कि ज़्यादातर हमने देखा है जो हीरो होंडा की बाइक है, तो उसमें ही ज़्यादातर मिलता है हमारा सिलेक्टर कटा हुआ। बजाज के बाइक में मैंने अभी तक नहीं देखा भाई, कि देखा नहीं, नहीं देखा वो गलत है, देखा है क्योंकि बहुत ही कम भाई, 100 में से अगर हीरो के बाइक में आपको 100 में से 80 निकलता है खराब, तो इसमें निकलता है 5, तो वो भी चांस पास का भी होना चांसेस बहुत कम है। तो आपको गियर अगर सही से सेट हुआ है नहीं, तो आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इनपुट शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट को आपको घुमाना है, और जो गियर ड्रम है वो देखना है आपको एक तरफ से, और एक तरफ से घुमा के फुल हमारा रोटेट हो रहा है या नहीं, एकदम फर्स्ट से जिधर हमारा न्यूट्रल है
उधर से घुमा के एकदम देखना है जितने भी गियर है वो लास्ट तक हमारा गियर ड्रम घूम रहा है या नहीं, और गियर का जो सिलेक्शन है वो हो रहा है या नहीं। अगर बीच में रुकावट आएगा तो भाई आपका जो गियर बॉक्स है वो सेट नहीं हुआ है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब हम घुमा रहे हैं तो देखिए आसानी से इधर उधर थोड़ा सा इधर उधर करने से हमारा घूम के एकदम लास्ट में आ गया है। देखिए अभी न्यूट्रल है, परफेक्ट। तो आपको अभी इसको लुब्रिकेट करेंगे, करने के बाद इसमें क्रैंक शाफ्ट जो हमारा क्रैंक है टोटल क्रैंक को असेंबल करेंगे। देखिए लुब्रिकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है भाई इंजन असेंबलिंग के बाद। हम इंजन ऑयल डाल रहे हैं अभी, तो इधर आप ऑयल ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं भाई, बहुत बढ़िया और स्मूथनेस बन जाता है भाई बाइक का। तो अगर हो सके तो आप जो ऑयल ट्रीटमेंट है उसका यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए इसको भी थोड़ा लुब्रिकेट करेंगे क्रैंक को। देखिए क्लच साइड से हमारा, इधर से हमारा जो इंजन ऑयल है वो जो हमारा क्रैंक शाफ्ट के कनेक्टिंग जो होता है कनेक्टिंग रॉड पे जो हमारा रोलर बियरिंग और गजिन पिन होता है, तो उस पिन पे ऑयल सर्कुलेट होता है, जाता है उधर जाके उसको लुब्रिकेशन करता है। तो इसको भी हमने ऑयल से थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लिया। देखिए बियरिंग को क्रैंक को बिठाने से पहले जो चेंबर हमारा होता है चेंबर के ग्रुप को भी लुब्रिकेट करना आपको पड़ेगा, तो आसानी से जब भी आप बिठाएंगे बैठ जाएगा भाई। कोई छेड़खानी नहीं, कोई ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती नहीं होगा। देखिए आसानी से बैठ गया ना चेंबर पे भाई, हथौड़ा पीटना या जोर जोर से हाथ से पीटना ऐसा भाई कुछ नहीं होता है। आपका अगर असेंबलिंग का, आपका अगर फिटिंग का तरीका सही होगा ना, तो आसानी से आप थोड़ा सा इधर उधर करेंगे पटक से बैठ जाएगा आपका इंजन पूरा एकदम शुरू से एंड तक। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अभी के लिए बाय, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। हर हर महादेव।